बीकानेर से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। भारी भरकम भीड़ भी उनके साथ दिखाई दे रही है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 2009, 2014, 2019 तीन बार सांसद और एक बार फिर से आपको यहां पर मौका दिया गया है। लग रहा है कि इस बार जो रहा है वो पिछली बार से ज्यादा मुश्किल है या फिर ज्यादा आसान कहीं ना कहीं हो गई है? पहले तो मैं ये जो खड़े हैं ना हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता में जिस तरह का उत्साह है उससे मुझे लगता है कि बीकानेर संसदीय सीट इस बार बहुत बड़े अंतर से जीत रही है, बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये संकेत है, कस्बों में भी ये संकेत है और हमारे बीकानेर शहर में तो स्पष्ट ही संकेत है। सर, बीकानेर में हमें देखने को मिल रहा है मेघवाल वर्सेस मेघवाल वर्सेस मेघवाल। कांग्रेस ने भी मेघवाल उम्मीदवार को उतारा है, बीएसपी ने भी मेघवाल उम्मीदवार को उतारा है और कांग्रेस के उम्मीदवार से जो हमने बात करी गोविंद राम मेघवाल जी, उनका दावा है कि 3 लाख के वोटों के अंतर से वो जीतेंगे। क्या कहेंगे? वो तो अभी विधानसभा ही हार गए थे। जब वो कैबिनेट मंत्री थे राजस्थान सरकार में तब उन्होंने चुनाव लड़ा खाजूवाड़ा का एमएलए का, वहां भी पूरी तरह से हार गए, यहां कहां से जीत जाएंगे? अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं बता रही है? देखिए, कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण की हो गई और मुस्लिम लीग की भी नीति तुष्टिकरण की थी। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि हम तुष्टिकरण को छोड़ें और संतुष्टिकरण की नीति पर चले हैं। कांग्रेस संतुष्टिकरण पर नहीं चल रही, इसलिए बात आई है। अर्जुन राम मेघवाल जी, बहुत ज्यादा बड़ा जो आपका कार्यकाल 15 सालों का हमने देखा है, बीकानेर की जनता के लिए अब जो आगे 5 साल होने वाले हैं, क्या कुछ आप वादे करने वाले हैं, क्या कुछ आप बताएंगे दर्शकों को? परचे में आप बता दीजिए दर्शकों को जो सुन रहे हैं। मेरा विजन, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत बनाना, उसमें विकसित बीकानेर बनाना, ये हमारा विजन है। हर क्षेत्र में हम विकास करेंगे, बीकानेर में यही विजन है हमारा। तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी के घर पर, केंद्रीय मंत्री, भाजपा के 3 बार के सांसद और बीकानेर में दोबारा से जिन्हें बागडोर संभालने का मौका दिया गया है, 4थी बार भी जिम्मेदारी दी गई है, जिनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी मेघवाल उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के हों या फिर बीएसपी के हों, जाहिर तौर पर जो बीकानेर में लोकसभा सीट है वो बेहद रोचक दिखने वाला है यहां का मुकाबला। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, राजस्थान।